हरे कृष्ण, इस संसार के निर्माता भगवान कृष्ण ने इसे दुखालयम यानी दुखों से भरा हुआ स्थान प्रमाणित किया है। यहाँ सब कुछ दुख का कारण है। हमारे पिछले वीडियो नामाश्रय चक्रवात तूफान का वो भयानक रात में हमने देखा कि कैसे बारिश और चक्रवात इस दुनिया के लोगों के लिए दुख लाते हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी उनसे प्रभावित नहीं होता। अगर वही बारिश नहीं आती है तो यह एक और बड़ी त्रासदी होगी। वास्तव में बारिश केवल प्रतीकात्मक है, हम अपने कर्म फल के कारण पीड़ित हैं। आज हम श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक और चमत्कारी लीला लेकर आए हैं जो इस बात को साबित करती है और साथ ही भगवान के पवित्र नाम में हमारी आस्था को मजबूत करती है। पिछले अध्याय में हमने देखा था 1971 में आए हुए चक्रवाती तूफान से गुरुदेव ने अपने परिवार की रक्षा कैसे की भगवान के पवित्र नाम का शरण लेकर। श्रील गुरुदेव की आज की लीला में हम देखेंगे कि उन्होंने बिना बारिश के कारण हुए अकाल से लोगों को बचाने के लिए क्या किया। 1974 में श्रील गुरुदेव अपना गृहस्थ जीवन त्याग करके गुरु की खोज में पूरे भारत की यात्रा की। वर्ष 1975 में श्रील गुरुदेव ने श्रील प्रभुपाद से वृंदावन में संन्यास प्राप्त किया। श्रील प्रभुपाद ने श्रील गुरुदेव को कई गोपनीय निर्देश दिए थे। उनमें से कुछ थे भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण करना, उनकी पुस्तकों को ओडिया भाषा में अनुवाद करना और महाप्रभु के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना। गुरुदेव अपने गुरुवाणी का पालन करते हुए हर साल विदेश में प्रचार के लिए जाते थे। 1993 में गुरुदेव अपने यूरोप दौरे पर स्पेन में पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उनके निजी सेवक थे श्रीपाद सच्चिनंदन प्रभु। वे राजधानी शहर मैड्रिड से सुदूर स्थित न्यू ब्रजमंडल धाम इस्कॉन का फार्म कम्युनिटी पहुंचे। उस समय वहां पर 400 से अधिक भक्त रहते थे। पहुंचने के बाद गुरुदेव यह देखकर हैरान रह गए कि वहां बिजली नहीं थी। गुरुदेव ने कहा, जब हम छोटे थे तब तेल के दिए जलाते थे, अब भारत में हर जगह बिजली है, लेकिन यहां इतने विकसित देश में भी लोग तेल के दिए का उपयोग कर रहे हैं। जब गुरुदेव ने इसके पीछे का कारण पूछा तब मंदिर के अध्यक्ष ने बताया कि स्पेन में जल विद्युत पानी से उत्पन्न बिजली पर निर्भर हैं और पिछले 2 वर्षों से बारिश नहीं हुई है, जिससे देश में अकाल की स्थिति है और इसका प्रभाव इतना बुरा है कि उन्हें उस जगह पर बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। उन्होंने और भी बताया कि उनको कुएं से पानी निकाल के अपना काम करना पड़ता है। गुरुदेव के साथ कई भक्त भी यह वार्तालाप सुन रहे थे। गुरुदेव ने कहा, यह पाप कर्मों का परिणाम है। यह सुनकर वहां बैठे भक्तों में से एक स्थानीय भक्त ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज कहां पर पाप नहीं हो रहा? पाप तो हर जगह हो रहा है। क्या भारतवर्ष में पाप नहीं हो रहा, या अमेरिका में नहीं हो रहा, या फिर इंग्लैंड में नहीं हो रहा? हर जगह पाप हो रहा है। गुरुदेव ने उस भक्त का मनोभाव को समझ के उत्तर दिया, हाँ आप सही कह रहे हैं, दुनिया में हर जगह पाप हो रहा है, लेकिन आप भक्त लोग यहाँ पर रह रहे हो ना, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कृपा करके आप लोगों को पाप कर्म का प्रतिक्रिया क्या हो सकता है वो समझा रहे हैं। उस समय 2 अन्य भक्त गुरुदेव के समर्थन में बोले, आप सही कह रहे हैं महाराज, जीव हत्या तो हर देश में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेन में बड़े ही निष्ठुरता से बैल का शिकार करते हैं। हर हफ्ते एक उत्सव मनाते हैं जहां लोग बैलों से लड़ते हैं, अंत में बैल को निर्दयता से मार देते हैं और लोग इसका आनंद लेते हैं। इस निर्दय हत्या को रोकने के लिए अन्य देशों से भी दबाव है। तब गुरुदेव ने कहा, जो भी पाप कर्म करेगा उसे उसका फल भोगना होगा, लेकिन आप सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हरिनाम संकीर्तन करिए, इससे यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो सभी लोगों का मंगल होगा और कोई दुख नहीं रहेगा। गुरुदेव ने पूछा, आज की कथा किस विषय पर है? भक्तों ने उत्तर दिया, गुरुदेव आज चैतन्य चरितामृत पर कथा है।
गुरुदेव ने कहा, आज हम कथा में हरिनाम संकीर्तन करेंगे, बस थोड़ा सा प्रवचन और ज्यादा कीर्तन होगा, सभी को कीर्तन में शामिल होने के लिए कहिए। इसके बाद गुरुदेव ने कीर्तन के साथ कथा शुरू की। सबसे पहले उन्होंने प्रसिद्ध भजन गौरांगेर दुटिपद जहार धन संपद इस भजन का जोर से कीर्तन शुरू किया और सभी शामिल हो गए। इस भजन के समाप्त होने के तुरंत बाद गुरुदेव ने दूसरा भजन शुरू कर दिया, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। परम करुणा दुई जना निताई गौर चंद्र। यह भजन बस अपने अंत के करीब ही था और आकाश में गड़गड़ाहट की बड़ी आवाज सुनाई दी। सचिनंदन प्रभु कहते हैं, मैं अपने मन में खुश हो गया। मैंने खुद से सोचा, एक शुद्ध भक्त श्रील गुरुदेव की शक्ति को देखो, अपने कीर्तन से वे बारिश भी करवा सकते हैं। और मैंने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मंदिर के अध्यक्ष की ओर देखा, जो मेरे बगल में बैठे थे। अध्यक्ष महोदय मेरी ओर झुके और मेरे कान में फुसफुसाए, सचिनंदन प्रभु, यह गड़गड़ाहट हम पिछले 6 महीने से सुन रहे हैं, यह आती है और चली जाती है, इसकी ध्वनि सुनकर खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी खुशी उदासी में बदल गई। गुरुदेव ने अपनी गहरी और असाधारण आवाज में महामंत्र का कीर्तन जारी रखा। सचिनंदन प्रभु कहते हैं, उस समय मुझे लगा जैसे भगवान कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त की अवमानना को सहन नहीं कर पाए और हमेशा आने जाने वाली गड़गड़ाहट इस बार नहीं गई, बल्कि बिजली चमकने के साथ और जोर होने लगी। फिर बारिश की बूंदे कई साल बाद स्पेन के धरती को भिगोने लगे। कुछ ही समय में यह धीमी बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। यह बादल फटने वाली बारिश थी और अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह लगातार 7-8 घंटे तक जारी रही। वहां उपस्थित सभी भक्तगण इस चमत्कार से आश्चर्यचकित थे। उन्हें यह विश्वास करने में देर नहीं लगी कि श्रील गुरुदेव भगवान कृष्ण के एक ऐसे अनन्य भक्त हैं जो भगवान के नाम के अपने शुद्ध जाप से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। उन्होंने श्रील गुरुदेव की गुणगान करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद भक्तों का गुरुदेव से मिलने के लिए होड़ मच गया। पूरे समुदाय में खबर फैल गई कि एक भारतीय साधु आए हैं जिन्होंने अपने कीर्तन से बारिश करवाया है। यह देखकर गुरुदेव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, सचिनंदन, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है। हम इस प्रसिद्धि के लायक नहीं हैं। हमने बारिश नहीं करवाई है, यह महाप्रभु की कृपा है। जहाँ भी उनका नाम लिया जाएगा वहाँ सभी पापों का प्रतिक्रिया नष्ट हो जाएगा और हर तरफ मंगल ही मंगल होगा। मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और श्रीमन महाप्रभु का श्रेय है ये, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं एक क्षुद्र जीव हूँ। हम इस सम्मान के हकदार नहीं हैं। ये सम्मान मेरे परमाराध्य गुरुदेव और भगवान कृष्ण का है। ये लोग मेरा महिमा मंडन कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। हमें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए, अन्यथा और भी लोग मेरा सम्मान करने लगेंगे। श्रीपाद सच्चिनंदन प्रभु ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारी फ्लाइट तो 2 दिन बाद की है। यहाँ पर हमारा और 2 दिन का कार्यक्रम है। गुरुदेव ने कहा, नहीं, यहाँ से हम तुरंत चले जाएंगे,
हमारा कार्यक्रम में बदलाव कर दो। सचिनंदन प्रभु कहते हैं, मैंने सिर्फ पढ़ा था लेकिन ऐसा साधु कभी नहीं देखा जो प्रसिद्धि के डर से भाग जाए। उस दिन हमने वैसा ही किया। न्यू ब्रजमंडल धाम में हमारा जो अगले दो दिन का कार्यक्रम था उसको रद्द करके हम वहाँ से तुरंत निकल गए। हमने माधवेंद्र पुरी की कहानी सुनी है जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चुराई थी। यह सोचकर कि लोग अब मुझे सम्मान देंगे और सोचेंगे कि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ कि गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई। माधवेंद्र पुरी आधी रात को ही रेमुणा से चले गए। एक शुद्ध भक्त सारा श्रेय भगवान को देता है और खुद हमेशा प्रतिष्ठा से दूर रहता है, क्योंकि यह नाम यश और प्रतिष्ठा भगवान की सेवा में व्यवधान उत्पन्न करती है। श्रीपाद सच्चिनंदन प्रभु ने व्यास पूजा के दौरान श्रील गुरुदेव की इस चमत्कारी लीला का कई बार गायन किया है। श्रील गुरुदेव की यह अमृतमयी लीला हमें भक्ति के दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। पहला है, ये हमें शुद्ध नाम की शक्ति को दिखाता है, और दूसरा यह कि एक शुद्ध भक्त हमेशा पूजा और प्रतिष्ठा से खुद को दूर रखता है। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण।